इमाम हुसैन की शहादत की याद में आज दुनिया भर में शिया मुस्लिम मुहर्रम मना रहे हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो कर्बला की जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद चार खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके करीब 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। इमाम हुसैन ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद पुत्र अतुआ को फरमान लिखा, तुम हुसैन को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो, अगर वो नहीं माने तो उसका सिर काट कर मेरे पास भेजा जाए। राज्यपाल ने हुसैन को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन ने कहा, मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को न मानने वाले यजीद का आदेश नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहां यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर उनका कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात का पता हुसैन को चल गया, लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहां किसी की भी हत्या हराम है। खून खराबे से बचने के लिए हुसैन उमरा करके परिवार सहित इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अपने परिवार के साथ कर्बला में थे। 9 तारीख तक वो यजीद फौज को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद हुसैन ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। अगले दिन जंग में उनके 72 फॉलोअर्स मारे गए। तब सिर्फ हुसैन ही अकेले रह गए थे। तभी उनके खेमे में शोर मचा। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे हाथों में उठाकर मैदान कर्बला में ले आए। उन्होंने फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन के हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया। हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। इसे आशुरा यानी मातम का दिन कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम के कर्बला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के तीर्थ स्थल हैं। स्पेशल रिपोर्ट, दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।